이런 루틴 니가 겸이네. 내가 왜 이랬지? इतना खुशमत हो के डरना, ये मोती जमा करने में तेरी उम्र निकल गई। जब तक के आखिरी दो मोती तू नहीं निकल लेता, तब तक मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, समझा? मुझे मोती भी मिल जाएगी दो मोती। ये तुमने जो अंगूठी दिए ना, ये अंगूठी बाकी के दो मोती दिलवाएगी मुझे। ये अंगूठी है ना, मेहनत करने से ही धन दौलत की प्राप्ति होती है ऐसा कहते हैं। ये अंगूठी आपकी किस्मत बदल देगी, आपके बड़े से बड़े सपने को पूरा कर देगी, आपकी जेबें नोटों से भर देगी, आपके जीवन में खुशहाली लाएगी और कंगाली हटाएगी। इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें, आज ही इस अंगूठी का ऑर्डर करें। ये भगवान, एक ऐसी अंगूठी ना मुझे दिलवा दे, फिर ना मैं रानी बनकर रहूंगी। अरे ओ मुंगेरी लाल की छोटी बहन, मेरा मतलब रानी साहिबा, किचन में खाना फिर से जल गया। दिन भर या तो उटपटांग चीजें देखती रहती हो या उटपटांग सपने देखती रहती हो। सपने आपसे पूछ के देखो क्या? अरे एक बात बताइए, मेरी अपनी जरूरतें भी है कि नहीं है? मेरी जान, इसे जरूरतें नहीं, इसे ख्वाहिशें कहते हैं। जरूरत का सारा सामान है तुम्हारे पास। अच्छा बताइए, क्या क्या जरूरत का सामान है मेरे पास? इतने साल हो गए आपसे एक माइक्रोवेव मांग रही हूँ, वो तक आपसे लाके दिया नहीं जा सकता। या एक मिनट टीवी देखूं, वहाँ मेरा खाना जल जाता है। माइक्रोवेव होता ना, एक मिनट में खाना गर्म होके बंद हो जाता है अपने आप। बोल रहे हैं ख्वाहिशें, वो जरूरत नहीं होती क्या? मुझे बताते हो ये नहीं किया वो नहीं किया, आप बताओ आपको क्या याद रहते हैं? क्या है आज? गुरुवार, वीरवार, शुक्रवार, ये सब याद है, लेकिन आज क्या है वो आपको याद नहीं है? आज हमारी शादी को 10 साल हो गए, ये याद नहीं रहता आपको? मैं क्या? ये भी तो कह सकते थे ना कि खाना बनाना छोड़ो, बाहर चलते हैं कहीं खाना खाने। नहीं, आज शादी की सालगिरह है ना हमारी, तो एक छोटा सा गिफ्ट तो ला सकते थे ना मेरे लिए, एक नेकलेस ही ले आते।
देखो मैंने बीवी हूँ आपकी, बावर्ची नहीं हूँ। सही में भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। मतलब यार कम से कम आज के दिन एक छोटा सा गिफ्ट ही ला के दे देते और प्यारी सी भाभी को सरप्राइज दे देते, पर नहीं। क्या नहीं, दिन भर तुम्हारी भाभी जो मेरे कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है उसका क्या? हाँ गिफ्ट ये खुद को देती है और बिल देख के सरप्राइज मैं हूँ। देखा? देख रहा हूँ भैया, आप ना हमारी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ तो आपसे कर लेते हैं, एग्जाम सर पे है, कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, या पास होने के लिए आपको अंगूठी माला ऐसा कुछ चाहिए? भैया मैंने तो एक छोटी सी बाइक मांगी। बाइक वाइक कुछ नहीं मिलेगा, पहले अच्छे नंबर लेके आओ उसके बाद सोचते हैं। चलो जाओ, आ जाते हैं। अरे आप लोग का झगड़ा खत्म हो गया तो मेरा लंच बॉक्स दे दो। अरे मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है यार। पिंटू इधर आ बेटा, ये ले 50 रुपीस, क्योंकि आज आपकी मम्मा ने फिर से खाना जला लिया। ठीक है तो आप आज फिर से कैंटीन का खाना खा के एंजॉय करो। गो। रानी साहिबा हैप्पी एनिवर्सरी। पता नहीं जब देखो तंग करते रहते हैं क्या। बहन जी अब बहन जी बर्तन देखिए ना, बर्तन क्या है भाई? आपके पास तो कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा। देखिए बहन जी कितने अच्छे बर्तन। नहीं ये नहीं अच्छा। अच्छा कुकर देखिए आप, कुकर। कढ़ाई चाहिए है आपके पास तो दिखाइए। अरे बहन जी कढ़ाई मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रही हैं, वो ही मिल जाएगी। ठीक है तब तक कुकर दिखाइए। अच्छा कुकर एकदम फ्रेश। कढ़ाई देखिए आपके पास है तो। कढ़ाई सीटी तो है नहीं इसकी। लीजिए बहन जी कढ़ाई लीजिए, पकड़िए। बहुत बढ़िया कढ़ाई देखिए। बहन जी मेरी यहाँ अंगूठी गिर गई है, आपने देखी है क्या? नहीं मैंने नहीं देखी, रुकिए मैं जरा कपड़े लेकर आती हूँ। बहन जी ये लीजिए भाई सब कपड़े। बहन जी वो अंगूठी बड़ी कीमती थी, अगर आपको दिखाई दियो तो बता दीजिए ना। अरे कीमती थी तो क्या, आपको मैं लालची नजर आती हूँ? किसी की भी अंगूठी दिखेगी और मैं चुरा लूंगी। देखिए संभाल लीजिए और जाइए यहाँ से। नहीं बहन जी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया, बस अगर आपको दिखाई दी तो बता दीजिए। कमाल करते हैं, निकलिए अपना सामान लेके। हाँ चोर कह रहे हैं क्या आप मुझे? मैंने तुमसे कहा था ना औरत बहुत लालची है, अब तुम्हें तुम्हारा शिकार मिल गया। जाओ प्यारी अंगूठी है और मेरे हाथ पे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। चलो इन्होंने तो मुझे गिफ्ट दिया नहीं, मैंने खुद ही ले लिया। अब मनाओ एनिवर्सरी, करो सारे घर के काम, संभालो सारा सामान और इतनी खूबसूरत साड़ी गोल जैसे चमक रही है, मेरी नई अंगूठी से तो बिल्कुल मैच करेगी। साड़ी मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, मैं सपना देख रही हूँ। ये साड़ी यहाँ कैसे हो सकती है? ये साड़ी तो नहीं आ सकती है अखबार में। ये साड़ी यहाँ पर आ गई, अखबार में नहीं है, मेरे हाथ में। इसका मतलब है ये अंगूठी? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है
जादू की अंगूठी होती है, अगर ऐसा है ना तो एक बार ट्राई करती हूँ। क्या मांगो क्या मांगो? कूलर, कूलर अखबार में नहीं है, कुकी में जादू है। अभी क्या मांगू, क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे? इसको पहन के तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी, मैं सब आ गया मेरे पास। और मुझे बहुत कुछ चाहिए, मैं सब मांग लूंगी। इस जादू की अंगूठी से मैं सब ले लूंगी। सच्ची भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। आज सुबह तो आपसे कहा था मुझे एक जादू की अंगूठी दे दो, और आपने मुझे ये अंगूठी दे दी। आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। नहीं नहीं, अभी तो मेरे बहुत सारे सपने बाकी हैं। अभी तो मुझे मुझे बहुत कुछ चाहिए इस घर में। मुझे इतना सारा सोना, इतनी सारी चांदी, इतना सारा हीरा। बस भगवान, आप ना अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखना, और ये अंगूठी ना हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए। सच में आपके घर ना देर है, पर अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। ये तो मेरे और बहुत अच्छा लगेगा। मनीषा, मैंने तुम्हें जो कल शाम को फाइल दी थी वो, इतना सारा सामान कहाँ से आया? पता है आज क्या हुआ? ये देखिए, मुझे जादू की अंगूठी मिली है, और ये जो सामान आप देख रहे हो घर में, ये सब मुझे इस अंगूठी से मिला। अरे ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है? आपको विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है, आपकी आंखों के सामने मैं इस अंगूठी से जादू करूंगी, देखिएगा। देखिए, ये तो असली है। हाँ, असली है। इस अंगूठी में जादू है, वही तो मैं बता रही हूँ आपको। अरे ये अंगूठी तुम्हारे पास आई कहाँ से? वो आज ना एक पुराने कपड़े लेकर बर्तन देने वाला बूढ़ा आदमी आया था, ये उससे मिली। एक्चुअली मिली क्या, मैंने ले ली। देखो, तुम ये अंगूठी अभी के अभी निकाल के फेंक दो। अरे कमाल करते हो, ये अंगूठी ना मुझे भगवान ने दी है, और इस अंगूठी से तो ये सारा सामान मुझे मिला है। इतने साल जो मैंने इतनी पूजा व्रत पाठ किया, मेरे अच्छे कर्मों का फल है ये अंगूठी। अब घर में आई लक्ष्मी को मैं ऐसे। मनीषा, ऐसे ही कभी कुछ नहीं होता। अगर ये अंगूठी इतना सब कुछ कर सकती है, तो बर्तन वाला अभी तक बर्तन क्यों बेच रहा है? वो तो क्योंकि अब कौवा कितना भी नहाए वो हंस तोड़ना बन जाएगा। अभी ये अंगूठी एकदम सही हाथों में आई है, अभी मेरे पास आई है ना, आप देखिएगा मैं इससे क्या क्या करती हूँ। मनीषा, इस अंगूठी के पीछे जरूर कोई राज है जिसके बारे में हमें नहीं पता। अरे नहीं बाबा, कोई राज नहीं। तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें इस अंगूठी को अभी के अभी निकाल के फेंकना होगा। अच्छा ठीक है, इस अखबार में जितनी भी चीजें ना, मैं पहले वो ले लेती हूँ, और जब वो हासिल हो जाएंगी ना, फिर फेंक दूंगी अंगूठी। पक्का? पक्का। जरा मेरी फाइल लेके आना प्लीज। हाँ सर, मैं बस फाइल लेके निकल ही रहा हूँ घर से। ये वाली ना? हाँ। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन तुम इस अंगूठी को निकाल के फेंक देना, ठीक है? इन्हें ना हर बात से प्रॉब्लम है। इतनी मुश्किल से मुझे ये जादू की अंगूठी मिली है, ये आसानी से तो नहीं निकालूंगी। सपना था,
सपना था, सपना था। जन्म में जाए, बेकार का सपना था। आज ना मेरी एनिवर्सरी है, मैं सहेलियों को बुलाती हूँ, मजा आएगा। अच्छा सुन, वो हमेशा कहती है ना कि कभी पार्टी नहीं देती, कभी पार्टी नहीं देती, तो आज नाम को ना मैं पार्टी दे रही हूँ। और सुन, वो शीतल, पूनम और अलका को भी लेते आना। हाँ हाँ, शाम को मिलते हैं मेरे घर पर। अब मैं इनको दिखाती हूँ कि पार्टी कैसे करते हैं। इतनी कमाल की पार्टी की तैयारी करूंगी ना, सब देखते रह जाएंगे। सनी आ जा। क्या बात है भाभी, आज तो मतलब यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। अच्छी लग रही हो ना। लगता है भैया ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे दिया। तेरे भैया मुझे गिफ्ट देंगे, पागल कहीं का। अरे शुक्र मनाओ कि आपको कम से कम एनिवर्सरी पे गिफ्ट तो दे दिया उन्होंने। पता है मेरा बर्थडे प्रेजेंट तो अभी तक उन्होंने लटका रखा है। तेरा बर्थडे प्रेजेंट तुझे नहीं मिला ना? और नहीं तो क्या। मुझे बता क्या चाहिए तुझे गिफ्ट में। हाँ अरे हंस क्यों रहा है? अब मजाक के मूड में हूँ। अपनी भाभी को ना ऐसे हल्के में मत ले, बता क्या गिफ्ट चाहिए। भाभी आप नहीं ला सकते जो मुझे चाहिए। अरे मैंने बोला ना, चल बता क्या चाहिए गिफ्ट में तुझे। ऐसा है ना, तो मुझे ना एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, चीते जैसी चपत होनी चाहिए, गेंडे जैसी मजबूती, तो कम से कम 200 सीसी होना चाहिए और 40 बीपीएच होना चाहिए। ये सब मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये प्रवचन देना बंद कर और मुझे ना तू वो बाइक की फोटो दिखा दे बस। आप नहीं कर पाओगे, क्यों मजाक करे जा रहे हो आप। मैं मजाक नहीं करी, तू भी मजाक मत कर, चल फोटो दिखा। ये देख रहे हो फोटो, ये बाइक चाहिए। अच्छा सनी, तू अभी अभी कॉलेज से आया ना, जा जाके नहा ले, तब तक ना मैं तेरे लिए बाइक का इंतजाम करती हूँ। और 4-5 साल में तो इस चीज का इंतजाम हो ही जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, अंदर हूँ। 4-5 साल लगेंगे तुझे नहाने में, चल जा। अरे सनी। हाँ। अब तक नहा रहे क्या? आ रहा हूँ भाभी। जल्दी आ। अरे क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। तैयार तो होने दिया करो ना। क्या है? थैंक यू सो मच भाभी। भाभी सीरियसली आर सो ग्रेट। पर आप इतनी जल्दी बाइक लाई कहां से? बताओ ना। जादू से। तुझे उससे क्या, तू खुश है ना अपनी बाइक से? खुश? मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश। वाह जादू, कैसी लगी? वाह नहीं बाइक पापा ने दिलाई क्या? पापा और दिलाएंगे, भाभी ने दिलाई है। वाह मम्मी, चाचू को तो आपने नई बाइक दिलवा दी, मैंने तो सिर्फ एक बुमरैंग मांगा जो आपने मुझे अभी तक लेके नहीं दिया। गलती हो गई, एक काम करो तुम ना मुझे अपने वो बुमरैंग की एक फोटो दिखा दो, मिल जाएगा। अरे बुमरैंग नहीं, बुमरैंग। हाँ जो भी है उसकी ना एक पिक्चर दिखा दो और मिल जाएगा तुम्हें। वो फोन ये लो। ये देखो इसको बोलते हैं बूमरैंग। अच्छा, अगर उसको ऐसे फेंकेंगे तो घूमकर वापस आएगा। तो तुम ऐसे अपने चाचू के साथ घूमने जाओ और जब तुम घूम के वापस आओगे ना तो ये बूमरैंग तुम्हारे पास होगा। यस। चलो चलो जाओ। चाबी भाभी। ओ हाँ हाँ चाबी। चल मैं पिचकू। अरे आ जाओ। थैंक यू भाभी। ध्यान से जाना। सूर्यास्त होने वाला है, अब तक तो
अंगूठी ने मनीषा को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब अंगूठी सब कुछ लेने वाली है। मनीषा कितनी प्यारी लग रही है तू, और ये साड़ी ना तुझसे ज्यादा अच्छी किसी पे नहीं लग सकती थी। कितनी चमक रही है, और हाय ये नेकलेस तो वो दीपिका पादुकोण जैसे लग रहे हैं, ओम शांति ओम में जैसे पहना था ना। बस आप देखना मैं कैसे ना अपनी सहेलियों को जलाती हूँ, और वो स्पेशली जो वो जल कुकड़ी है ना पूजा, वो तो जल के राखी हो जाएगी, बहुत मजा आएगी। हाँ मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, हाँ सारे स्टार्टर ना ऐसे ही ऑर्डर कर देती हूँ, और फिर पार्टी में ऐसे बढ़िया बढ़िया स्टार्टर उनके सामने पेश करूंगी ना, देखती रह जाएंगी। अरे इस अंगूठी का जादू काम क्यों नहीं कर रहा? क्या हो गया इसे? हाँ हो सकता है कि इस हाथ में काम करना बंद कर दिया, दूसरे हाथ में डालती हूँ फिर जादू शुरू हो जाएगा। अरे ये उतर क्यों नहीं रही? ये तो फंसी गई है, इसे साबुन लगा के निकालती हूँ। साबुन से तो उतर ही जानी चाहिए, से भी नहीं रही। अगर इसने अंगूठी निकालने की कोशिश की तो मैं इसे अभी मोती बना दूंगा। कैसे फंस गई? क्या हुआ, ये मेरी उंगली से निकल क्यों नहीं रही है? इस औरत का वक्त आ गया है, अब मैं इसे मोती बना दूंगा। क्या करूं मैं? मनीषा आए पूजा, इतनी जल्दी आ गई? अंगूठी को ना मैं बाद में निकालती हूँ, पहले जाके अपनी सहेलियों को जलाती हूँ अच्छे से। अरे वाह मनीषा, नया कूलर नया टीवी, लगता है सारी की सारी नई चीजें खरीदी हैं। हाँ कोई लॉटरी लगी है क्या? बस ऐसे ही समझ लो कि भगवान ने ना मेरी सुन ली। और क्या तुम लोग ये कूलर टीवी फ्रिज वगैरह की बातें कर रहे हो, मेरी साड़ी देखो अच्छी लग रही है ना? सेकेंड हैंड लियूंगी साड़ी, और वो तो सस्ती मिल जाती है, ब्रांडेड है प्योर। गहने सब असली है क्या? बिल्कुल, पागल है क्या, सारे गहने नकली होंगे, दो दिन चमक रहेगी और उसके बाद काले पड़ जाएंगे। ये देख 5 महीने पहले नेकलेस लिया था मैंने और आज तक नए लगते हैं, ये होता है नेकलेस। हाँ पूजा 5 महीने, बेचारी 5 महीने से एक ही नेकलेस पहन के ना सब पार्टीज में जा रही है, और ये मेरे गहने ना एकदम नए हैं। और पता मैंने क्या सोचा, अब तो हर रोज ना कुछ नया खरीदूंगी और कुछ ना कुछ नया पहनूंगी। देखते हैं पहले कौन सा मोती दिलवाती है ये औरत। अच्छा है ना? मम्मी, मम्मी, मेरा बूमरैंग का? हाँ हाँ। ये लो, तुम्हारा वो बूमरैंग। ये अंडे देखो ये। लगता है मनीषा के पति ने कहीं डाका डाला है। पूजा तुम जरा मेरे साथ आओगी, थोड़ा सा काम है तुमसे। आ जाओ। क्या बकवास कर रही थी तू बाहर? सही तो कह रही थी, सारे के सारे गहने नकली लगते हैं। अच्छा ये तुझे सेकंड हैंड दिखाई देते हैं, देख किधर से नए जैसे लगते हैं। ये देख, देख कितना भारी है। किसी ने ठग लिया तुझे? हाँ हाँ, असली हीरे रूबी लगा हुआ है, और तुझे लग रहा है कि किसी ने पागल बना दिया मुझे? मनीषा देख तू मुझे सच सच बता, तू इतनी सारी चीजें कहाँ से लाई है, इतने सारे कपड़े इतने सारे गहने, तुझे क्या लगता है कहीं चोरी वोरी तो नहीं की तूने, या तेरे पति ने कहीं डाका तो नहीं डाला? देख पूजा बहुत हो गया, मैं दोस्ती का लिहाज कर रही हूँ, लेकिन अगर इससे आगे तूने कुछ बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कितना बोल रहे हो, कितनी देर तेरी बात सुनूंगी मैं? मुझे मेरे गहने ना तुझसे बचा के रखने पड़ेंगे, कहीं तेरी नीयत ना खराब हो जाए इतने सारे गहने देखकर। तुझसे ही छुपा के रखना पड़ेगा, कहीं तू ही चोरी ना कर ले। चले गई? अच्छा है चले गई।
कीमती मोती मेरे घर में। वाह भगवान जी, ये तो कमाल ही हो गया। जिस घर में एक रुपया भी गलती से कहीं नहीं मिलता था, वहां ऐसी कीमती चीजें मिल रही हैं। अरे वाह मनीषा, तेरी तो किस्मत ही बदल गई है इस अंगूठी के आने के बाद। मनीषा आ रही हूँ। अरे ये क्या, मेरे जाते ही तुम लोग कुछ खा भी नहीं रहे। खाओ ना, मेरी पार्टी में आए हो यार। मनीषा पूजा कहाँ है? पूजा बाहर नहीं आई क्या? पर वो तुम्हारे साथ ही तो अंदर गई थी। हाँ मेरे साथ गई तो थी, पर थोड़ी देर बात करने के बाद पता नहीं कहाँ चलेगी। मुझे लगा तुम लोगों के साथ है। हो सकता है चले गई होगी जेलिस, या फिर शायद किसी दूसरी पार्टी में, है ना? नेवर नो। वैसे भी बहुत वक्त हो गया, अब हम लोग भी निकलते हैं। थोड़ी देर और बैठते तो अच्छा लगता ना। नहीं अभी बहुत टाइम हो गया, फिर आएंगे हम मिलने। हाँ अब तो यहाँ पार्टी शार्टी होती रहेगी। हाँ अच्छा लगा, तुम लोग आते रहना। ये खुदाना है क्या? ये किसी खौफनाक चीज है जो उड़ती जा रही है। ये हमारे घर में क्या कर रहा था? चल क्या रहा है ये? नाइस कैच के बच्चे, कितनी जोर से फेंका, किसी के मुंह पे लग जाता तो? किसी के मुंह पे लगता तो क्या होता, उसके दांत टूट जाते जैसे मेरे टूटे थे। इसीलिए मैं तुझे बूमरैंग नहीं दिलाता। किसने दिया है? चाचू ने? नहीं मम्मी ने। आपको पता है पापा, मम्मी ने चाचू को बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया। देखो और बाइक। तो मेरी बात मनीषा ने नहीं मानी। मनीषा अब भी वो जादुई अंगूठी पहने हुए है। चाचू का फेवरेट बाइक है, हम दोनों से घूम के भी आ गए, बहुत मजा आया। मेरी कसम देने के बाद भी मनीषा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मनीषा, मनीषा, अरे आज आपको मेरे लिए गिफ्ट लाना याद रहा? मुझे तो याद रहा, लेकिन तुम्हें ये तक याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हें अपने सर की कसम दी थी इस अंगूठी को निकाल के फेंकने के लिए। अब और ऊपर से तुम पिंटू और सनी को भी अपनी तरह चीजें दिला दिलाकर लालची बनाना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है, मैंने ये अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश की पर ये मेरी उंगली से निकल ही नहीं रही। झूठ बोलने की भी हद ना, मैं इसे अभी निकाल। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने निकालने की कोशिश की थी, नहीं निकाली तो क्यों जबरदस्ती निकाल रहे? अरे लग रही है मुझे। अरे अरे हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्या कर रहे हो? विक्रम वो देखो, एक मोती और। बस एक और मोती चाहिए फिर मैं आजाद आजाद आजाद। विक्रम 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 विक्रम, क्या हुआ मामा? तुम्हारे पापा मोती बन गए। तुम्हारे पापा मोती बन गए। मगर कैसे? इस अंगूठी की वजह से। बोला तुम भी मोती बन जाओगे, इसे मत छूना। लेकिन भाभी आपके हाथ में अंगूठी आई कहाँ से? बर्तन लाया था पुराने कपड़े देकर, मैंने उससे कढ़ाई ली, मैंने देखा एक अंगूठी पड़ी है,
लालच की वजह से मेरी बुआ अंगूठी उठा ली, मेरी बहन भी हूँ। मेरे लालच की वजह से हुआ है। विक्रम ने मुझसे कहा था कि ये अंगूठी उतार के फेंक दू, मेरी नहीं उतारी। जब उन्होंने जबरदस्ती अंगूठी उतारने की कोशिश की ना, तो मोती बन गई मेरे लालच की वजह से। भाभी आपके कमरे के अंदर से मैंने काले दानों को उठते हुए देखा था, जिसमें मैं चोच में मोती दबा रखा था, तो उस मोती में इंसान तो नहीं था। कहीं वो मोती पूजा तो नहीं? बाबा ये कौन है? बाबा ये कौन है? बाबा ये कौन है? बाबा किसी ने मेरे सपने में देखा था। दूर आओ, पीछे रहो, पास मत जाओ, पास मत जाओ, दूर रहो, मेरे कान है दूर। भैया को लाके रहेंगे, चलिए उठिए। हम लेकर आएंगे। चिंटू तू घर पे अपना ध्यान रखना, चलिए भाभी। मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कितने सालों से मैं जिस पाप का बोझ लेकर जी रहा था, आज उसका प्रायश्चित पूरा होगा। इन्हीं जंगलों में मिलेंगे मुझे वो मोती चुनने वाले हंस। बस एक काला हंस मिल जाए, उसके पेट से सारे मोती निकालकर माला माल बन जाऊंगा। आज तो मेरी किस्मत के तारे बुलंद हैं, मिल गए वो हंस। मेरे मोती हंसनी को मारा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब मेरी हंसनी को वापस लाने में तू मेरी मदद करेगा, समझा? कहाँ गई हंसनी? हंसनी कहाँ हो गई? कहाँ गई? मेरी ताकत का अंदाजा नहीं तुझे, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, मेरी गलती।
की सजा मेरे पति को मत दो, उन्हें छोड़ दो। तुम चाहो तो मुझे मोती बना दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, नहीं मैं नहीं रह सकती। ऐसा मत कर। अरे क्या कर रहे हो, हम तेरी कैसे जिंदा होगी? अरे अरे ऐसा मत कर। मनीषा, विक्रम, मनीषा ये कौन है, ये दानवर, हम लोग कहाँ पे हैं? मुझसे गलती हो गई विक्रम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मनीषा लेकिन ये सब चल क्या रहा है? मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। क्या कह रहा है? मम्मा बच जाओ ना, मम्मा मम्मा कहाँ जा रहे हो? 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 मनीषा क्या हो रहा है सब? हाँ मम्मा क्यों जा रहे हो? मम्मा मत तू जाओ ना। क्या हो क्या रहा है भाभी, कुछ बताओ तो सही। मनीषा, तुम सबको मोती बना रहे हो ना, ताकि तुम्हारी हंसनी तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिल सके, पर किसी का प्यार खत्म करके तुम्हें अपना प्यार जिंदा नहीं रख सकते। देखो मुझे मेरी बीवी वापस कर दो प्लीज। मुझे मोती दो। नहीं रख सकते। देखो देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, जब तुम्हारी हंसनी को पता चलेगा कि तुमने किसी और के प्यार को मारकर अपना प्यार पाया तो वो तुमसे सिर्फ नफरत करेगी, सिर्फ नफरत। क्या कर रहा है ये? तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, याद रखना। मैं सब बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे मम्मी मम्मा वापस कर दो, मेरे मम्मी मम्मा वापस कर दो। मत सुनो इनकी बात, गलत बात कर रहा है ये। तुम भी वही कर रहे हो जो उस बुड्ढे ने तुम्हारे साथ में किया था। अगर तुम भी उसी की तरह करोगे तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? अब तुम कहां से बताओगे? मेरी मम्मी को वापस दे दो, मेरी मम्मी को वापस दे दो, मैं नहीं जी सकूंगा बिना। यार क्या किया तूने? यार क्या किया? ये क्या किया तूने? क्या उठी? हंसनी को इसी ने मारा था।
हिम्मत में कभी गलती नहीं करूंगी, कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे मेरा सबक मिल गया।